व्यापारी सुरक्षा फॉर्म संस्थान के पदाधिकारियों ने पूर्ण रूप से बाजार खोलने को लेकर डीएमसी की मुलाकात। जनपद अमरोहा के व्यापारी सुरक्षा फॉर्म संस्थान के जिला अध्यक्ष खत्री मनोज टंडन के नेतृत्व में संस्थान के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने दोनों तरफ के बाजार को खोलने की मांग की थी, लेकिन जिलाधिकारी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी मांग को नहीं माना जाएगा। जीवन सबसे पहले है, जिसके लिए हम शासन द्वारा आई गाइडलाइंस का पालन करते हुए सप्ताह में 4 दिन बाजार खोलेंगे, मगर बाजार दाएं और बाएं व्यवस्था के साथ खुलेगा। अगर जिलाधिकारी के आदेश की बात करें तो मंगलवार का अवकाश पहले की तरह बना रहेगा। मंगलवार को पूर्णतः बंदी रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शनिवार और इतवार को वीकली लॉकडाउन सरकार ने घोषित कर दिया है। ऐसे में अमरोहा के व्यापारियों को दाएं और बाएं व्यवस्था के अनुसार हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दुकानें खोलने का अवसर मिलेगा। 2 दिन दाएं तरफ की दुकान खुलेंगे और 2 दिन बाएं तरफ की दुकानें खुलेंगी। ये व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज जिला में माननीय जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया है व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की ओर से कि इस विषम परिस्थिति में जहां कोरोना जैसी भयावह स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, व्यापारी भी कोई कोरोना वायरस वॉरियर से कम नहीं है। लगातार सेवा करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लगातार देश की सेवा कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहा है और समाज सेवा में भी अग्रणी है। ऐसे में क्योंकि व्यापार आजकल पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है, हम अपने आदरणीय माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये विनय अनुनय कर रहे हैं कि दोनों तरफ का बाज़ार भले ही थोड़ा समय कम कर दें, इसे खुलवा दें ताकि व्यापारी लेबर बिजली आदि के जो खर्चे हैं उन्हें वहन कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें।